हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। सो अभी मैं तो जहाँ जा रहा हूँ, आप थंबनेल और टाइटल में देख के समझ ही गए रहोगे। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं मुंबई के चोर बाजार, बट काफ़ी लेट हो गया है। मेरे को लग रहा है मॉर्निंग 6:26 हो गया है अभी, तो मेरे हिसाब से काफ़ी लेट है। हम लोग को 5 बजे निकल जाना चाहिए था घर से, क्योंकि वहाँ पर जितना जल्दी जाते हैं उतना जल्दी मिलता है सामान। तो अभी जा रहे हैं, देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं, लेट्स सी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी बारिश की माहौल है, तो बारिश में थोड़ा सा बाजार लगता है कि नहीं, यही देखना है। तो अभी मैं और आजिम हम दोनों जा रहे हैं यहाँ से चोर बाजार। तो चलते हैं, अभी भांडू स्टेशन पहुँच गए, वहाँ से निकलते हैं। तो पहले चलते हैं सैंडस रोड, वहाँ से फिर मैं आगे बताता हूँ आपको कैसे कहाँ जाना है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 वर आले लोकल। हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल सैंडस रोड स्टेशन। यहाँ से बाहर निकल के जाना है हम लोग को चोर बाजार। तो अभी हम लोग प्रॉपर टाइम पे, शायद पीछे दिख रहा होगा 7:11 हो रहा है, 7:10 को मैंने सोचा था कि पहुंच जाऊंगा, और प्रॉपर टाइम पे ही पहुंच गए हम लोग। सबसे पहले यहाँ से बाहर जाना है, एक कड़क चाय पीना है, क्योंकि थोड़ा सा क्या है, सुबह उठने के बाद काफी नींद आ रहा है कब से। कंटिन्यू देते हुए आए बिट्टू को, मैं बताया था 10 बजे आते, इसने माना नहीं। नहीं नहीं, चले बताया कि 3 बजे से मार्केट चालू होता है, 10 बजे आएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। और अभी भी हम लोग काफी लेट है मेरे हिसाब से, देखते अभी जाके कुछ मिलता है कि नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था, देखते ट्राई करते, नहीं मिला तो नेक्स्ट टाइम हम लोग 3 बजे आएंगे। प्रॉब्लम ये था ना कि सुबह बारिश हो रही थी 4 बजे, इसके लिए मैं थोड़ा रुक गया। बट अभी चल के देखते है क्या हो रहा है क्या नहीं। मेरे सामने वहाँ पे दूर वंदे भारत खड़ी है, एक दिन इसमें भी ट्रायल करेंगे, इसको भी एक्सप्लोर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई। तो चलते हैं चाय पीते पहले। अरे यार, बारिश ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। अभी हम लोग काफी ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, जगह तो मिल गई बट बारिश के वजह से मार्केट ही गायब हो गया आधे से ज्यादा। बोलते हो भैया यहाँ तक आने के बाद यार, आए थे बड़े खुश थे, बट क्या करे अब बारिश की वजह से आधे से ज्यादा मार्केट टूट गया है। जो चीज ढूंढ रहे हो मिल ही नहीं रहे। मिल गया बट उसके बाद बारिश ने पूरा वाट लगा दिया। अपना अपना ठेला उठा दिया। आज की नींद सफल होगी कि नहीं लास्ट तक देखते, बने रहो वीडियो में, आगे कुछ ना कुछ ट्राई करेंगे। हम घूमने चले जाएंगे, घूमने तो जाएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ चीज तो एक्सप्लोर करेंगे। इतना दूर आ गए तो यार, मतलब ये बारिश ने माहौल बिगाड़ दिया, बारिश ने माहौल बिगाड़ दिया। देखते हैं अभी बारिश जाने के बाद ढूंढते हैं क्या देखने आया था और क्या देखने मिल रहा है। मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था अलग मार्केट और मिल रहा है अलग मार्केट। अभी मैंने जो ऐसे यहाँ पे थोड़ा पता लगाया है, तो मुझे लोगों ने बोला 10 बजे के बाद जो भी एंटीक पीस का मार्केट है वो 10 बजे के बाद ही लगता है। तो देखते थोड़ा वेट करके देखते 10 बजे तक क्या होता है। ये बारिश ने पूरा माहौल खराब कर दिया यार। सब टाइम पास करने के लिए कुछ नहीं है तो नाश्ता ही कर लेते हैं सुबह सुबह। क्या भैया नींबू गार रहे हो? तो अभी यहाँ पे ना यार, काफ़ी मेहनत और मशक्कत के बाद कुछ इतनी मतलब खतरनाक चीज़ हाथ लगी कि क्या बताओ आप लोग को। मतलब ऐसा हो गया ना, 3-4 किलोमीटर घूम लिया यहाँ वहाँ, और बहुत बेहतरीन चीज़ हाथ लगी, मतलब मज़ा आ गया आज भाई। मतलब ऐसा हो गया कि पूरा घूमने के बाद पता चला कि मार्केट नहीं लगेगी आज, शुक्रवार को लगेगी, जुम्मे के दिन मार्केट लगती है यहाँ पे। मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे किसी से भी पूछोगे तो कोई बोलेगा 10 बजे के बाद, कोई बोलेगा 8 बजे के बाद, प्रॉपर पता नहीं है प्रॉपर। और लोग घुमाने वाले बहुत है, तो सिंपल सा चीज है, इंसान ने हम लोग को बताया और ये हम लोग ने चीज खरीद ली। हाँ, एक किचन लिया तो उसने पूरा प्रॉपर बताया। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे लोग प्रॉपर गाइड नहीं करते कि लाइक कहाँ कैसे क्या जाना है। तो मैं आपको बताता हूँ, सैंडर्स रोड से उतरने के बाद सीधा जे हॉस्पिटल आना है, जे हॉस्पिटल से सीधा जाके राइट लेना है, वहाँ पे मेन बाजार लगती है। सो अब मैं ट्राई करूँगा कल आने का, कल देखते हैं आगे के क्या मिलता है अपने को। सो अभी आज के दिन भर में क्या करते हैं क्या नहीं देखते हैं, आगे देखते रहो भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे आज भी। अब ये वीडियो डालना तो पड़ेगा, यहाँ तक आ गया हूँ तो मैं यार, बनता है इतना तो, रश तो नहीं जाना चाहिए सुबह की नींद। चलो फिलहाल अभी ट्रेन में चलते हैं वापस।
फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गए CST, बट यहाँ पे कुछ करने जैसा नहीं है। CST में ज्यादा ज्यादा कहाँ जाएंगे, गेट ऑफ इंडिया मरीन लाइन। अभी प्लान में चेंज आते हुए हम लोग घर जाते जाते रह गए और हम लोग ने वहां से प्लान किया चलते CST गेट ऑफ इंडिया घूम लेंगे। तो हम लोग आगे गेट ऑफ इंडिया की तरह वैसे ही टाइम पास बकचोदी कर रहे हैं थोड़ा सा। तो अभी हम लोग टाइम पास कर रहे इसको ना ऐसा पकड़ के फोटो वीडियो लुक ऐसा देख अजीब एक, ये रुक जाए देख आ नहीं रहा, रुक 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 आ गया भाई कुछ काम नहीं आज, खाली टाइम पास है। अंकल वाह मजा आ गया, अंकल एकदम खतरनाक पोज में गेट ऑफ इंडिया के साथ एंजॉय करते हुए मजा आ गया। मतलब भाई साहब भाई यहाँ पे ना सब लोग अपने फोटो शूट में बिजी है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। हमने भी गिन के 4-5 फोटो निकाले अपने। हे बकचोद आदमी मेरे साथ जो आया है आज, साला फोटो लेने का ढंग नहीं है। ऐसा ऐसा फोटो लिया ना मैं डालूंगा वो देख के सब लोग हंस लेना। ये आदमी का 2 फोटो लिया मैंने बस, वो भी इतना अच्छा फोटो लिया है ना कि क्या ही बताऊं। क्या नजारा है, व्यू मस्त है। व्यू से याद आया क्या बनाएंगे भाई, व्यू से याद आया अभी आजिम ने जो फोटो लिया है ये क्लिप के बाद वो फोटो में डालने वाला हूँ। आजिम ने वो फोटो क्लिक किया भाई, तो नीचे नहीं गिरना बस, तो साइड में आ, तुझे काला पानी में सजा दूंगा मैं इस फोटो के लिए, यहाँ नहीं दूंगा। काफी थक हार के हम आ गए वापस अपने भांडुप अपने घर। अब ये व्लॉग यही एंड करते हैं। अपना गांव भांडुप सकल देखने जैसी नहीं है फिलहाल, हालत खराब है, पूरा टैन हो गया अच्छे खासे, थक गए। तो चलते हैं, अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में। अभी अनाउंसमेंट हो रहा है, अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।